हेलो बच्चा लोग। आज इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक के सीईटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब देखिए, सीईटी के कोई भी टॉपिक के क्वेश्चंस करने के पहले हमको क्या करना होता है, उस टॉपिक के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। ठीक है, पहले सारा कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं एंड फिर शॉर्टकट समझने हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो कभी भी आप, वेदर इट बी फिजिक्स, वेदर इट बी केमिस्ट्री और मैथ्स, कुछ भी होने दो, आप कभी भी वो टॉपिक का सीईटी स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आपको क्या करना है, वो टॉपिक के सारे शॉर्टकट्स लिखने हैं, सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप सीईटी की तरफ बढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में, एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, हम लोग क्या करेंगे, पहले सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो एक वीडियो पूरा सारे कंसेप्ट के ऊपर रहेगा। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आपने ये नहीं किया तो सीईटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि द फॉरमोस्ट थिंग फॉर सॉल्विंग सीईटी क्वेश्चंस इज द बेसिक्स। तो बेसिक्स आपने अगर कवर नहीं किया होगा तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुने को बच्चे लोग, ये चीज़ आपको हर टॉपिक के लिए करनी है, हर सब्जेक्ट के लिए करनी है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग पहले बेसिक क्लियर करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा बच्चा लोग, आप एक प्रॉपर नोटबुक बनाइएगा जिसमें आप क्या कीजिए, सारे शॉर्टकट्स लिख दिए टॉपिक वाइज। ठीक है, सारे शॉर्टकट्स को आप लिख दीजिए एंड जब भी आप इसका एग्जाम दोगे, जो दो तीन चैप्टर का या चार चैप्टर का या सिंगल टॉपिक का जो भी रहेगा, तो पहले आप क्या करोगे, हाँ, सारे शॉर्टकट्स रिवाइज कर लोगे। शॉर्टकट रिवाइज होने के बाद फिर आप क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, वीडियोस देखोगे, फिर एक्स्ट्रा जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो सॉल्व करोगे। तो ये होगा बेटर हैबिट बनाने का आपको, ये इस तरह आपकी हैबिट होनी चाहिए, पहले सारा बेसिक क्लियर, फिर क्वेश्चंस, फिर होमवर्क, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। डायरेक्टली सॉल्व करोगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो एंड इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़ हमने क्या पढ़ा था बच्चा लोग, सबसे पहला चीज़ अभी जो शॉर्टकट में रहेगा वो ऐड ऑन करूंगा। ठीक है, शॉर्टकट में सारी चीज़ें ऐड ऑन नहीं करनी है, जो चीज़ें पता है उसको लिखना नहीं है आपको। शॉर्टकट में ऐसी चीज़ जो आपको मतलब एक्चुअली में बहुत ज़्यादा याद नहीं रह सकती है, अभी स्टेटमेंट्स एंड लॉजिक वो सब आपको पता है कि कौन से चीज़ें स्टेटमेंट्स एंड लॉजिक में आती है, कौन सी नहीं आती है, तो उसको एज ए शॉर्टकट में नहीं लिखने का। जो चीज़ ऐसा लगता है कि आप भूल सकते हो तो उसको हम एज ए शॉर्टकट में लिखेंगे, और जो चीज़ काफ़ी इजिली फटाक से आंसर हमको दे देगी वो चीज़ हम एज ए शॉर्टकट के तौर पर याद रखेंगे। चलो, तो सबसे पहला चीज़ जो हमको याद रखना है वो स्टेटमेंट्स एंड लॉजिक। परफेक्ट, तो आपको क्या याद है, स्टेटमेंट्स एंड लॉजिक, स्टेटमेंट्स एंड लॉजिक आर इधर ट्रू और फॉल्स। यस, जो लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट्स आते हैं वो या तो सही होते हैं या तो गलत होते हैं, उसके अलावा कोई स्टेटमेंट लॉजिक के अंदर नहीं आता है। परफेक्ट, राइट। कौन से स्टेटमेंट्स लॉजिक के अंदर नहीं आते रहे, इंटरोगेटिव नहीं आता है, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स, उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ये भी नहीं आता है, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंसेस, ये भी नहीं आते हैं। परफेक्ट, एंड उसके बाद एक और कैटेगरी है जो है ओपन सेंटेंसेस, ये भी आपके लॉजिक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। परफेक्ट, तो ये चार कैटेगरी के सेंटेंसेस हैं या स्टेटमेंट्स हैं जो आपके लॉजिक के अंदर नहीं आते। एंड लॉजिक के अंदर कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं, द स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू और फॉल्स, तो जिनकी ट्रूथ वैल्यू, जो ट्रू है उनकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी है, जो स्टेटमेंट्स फॉल्स है उनकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ है। डन, ये पहला टास्क हो गया आपका। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चे लोग, उसके बाद क्या पढ़ा था, लॉजिकल कनेक्टिव्स। परफेक्ट, उसके बाद हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़े थे। कौन से पांच टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़े थे, सबसे पहला लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा था बच्चे लोग हमारा, जो हमने पढ़ा था वो था कंजंक्शन। बच्चे लोग ये सब चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम अभी सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम शॉर्टकट में लिखेंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो शॉर्टकट में, सब कुछ शॉर्टकट में लिख का मतलब नहीं है, वरना वो क्या मतलब है, आप सारी चीज़ें लिख रहे हो तो शॉर्टकट कैसे हो गया। परफेक्ट, जो चीज़ हमको याद नहीं रहेगी या फिर जो चीज़ एक्चुअली में हमको बहुत इंपॉर्टेंट है और इजीली आंसर देने वाला है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो कंजंक्शन। परफेक्ट, तो कंजंक्शन क्या होता है, सिंपल, उसमें कौन सा लॉजिक, वो कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है, इसमें एंड यूज़ होता है। परफेक्ट, यहाँ पे ये उल्टा है, इसका क्या याद रखना है, ट्रुथ टेबल याद रखना है बच्चे लोग, इसका ट्रुथ टेबल याद रखना है। अभी ट्रुथ टेबल देखिए बच्चे लोग क्या होगा, पी क्यू पी एंड क्यू, ये टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। ठीक है, यहाँ पे टी एंड टी 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 एंड एफ एफ, एफ एंड टी एफ एंड एफ एफ। तो अभी कंजंक्शन के ट्रुथ टेबल में आप याद क्या रखोगे, कंजंक्शन में ट्रू कभी आएगा बच्चा लोग, ध्यान रखो, कंजंक्शन में ट्रू कभी आता है जब दोनों के दोनों ट्रू होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है एज अ सीईटी के लिए शॉर्टकट। ठीक है बच्चा लोग, कंजंक्शन में
ट्रू कभी आता है, पी एंड क्यू का आंसर ट्रू कभी आता है, जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे तभी आपका ट्रू आएगा, वरना ट्रू नहीं आएगा। ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसको आपको अगर याद नहीं रहता तो इसको एज अ शॉर्टकट की तरह याद रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका कंजंक्शन की बात, परफेक्ट। ट्रूथ टेबल याद रखना पहले तो, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या बोला, कंजंक्शन में ट्रू कभी आता है, जब दोनों पी एंड क्यू दोनों ट्रू होंगे तब जाके आंसर ट्रू आएगा, वरना फॉल्स ही आएगा, परफेक्ट। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है बच्चा लोग, वो है डिसजंक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंजंक्शन में एंड यूज़ होता है, उसके साथ साथ और क्या यूज़ होता है, बट भी यूज़ होता है, एंड भी यूज़ होता है, बट भी यूज़ होता है, ओके परफेक्ट। उसके बाद डिसजंक्शन, परफेक्ट। डिसजंक्शन में कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ होता है बच्चे लोग, और यूज़ होता है। कौन सा यूज़ होता है, और। उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बच्चे लोग, वी की तरह डिनोट करते हैं, परफेक्ट। डिसजंक्शन और होता है और वी की तरह, परफेक्ट। इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं बच्चे लोग, पी क्यू पी और क्यू, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, टी और टी इज टी, टी और एफ एस टी, एफ और टी इज अगेन टी, एफ और एफ एस एफ। तो यहाँ पे क्या याद रखोगे आप, यहाँ पे क्या याद रखोगे, डिसजंक्शन में, डिसजंक्शन में फॉल्स कभी आता है, डिसजंक्शन में फॉल्स कभी आता है, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी आएगा, याद रखिएगा। और में फॉल्स कभी आता है, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी ही फॉल्स आएगा, ठीक है। और कंजंक्शन में ट्रू कभी आएगा, जब दोनों ट्रू रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। डिसजंक्शन में फॉल्स कभी आएगा, जब दोनों फॉल्स रहेंगे, एंड एक भी ट्रू रहा, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू रहा, ठीक है, एक से ज़्यादा होगा तो ट्रू आएगा ही, बट एक भी ट्रू रहा तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा। अच्छी तरह नोट डाउन कीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, डिसजंक्शन में फॉल्स कभी आएगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी ही फॉल्स आएगा, एंड एक भी ट्रू आ गया एटलीस्ट तो हमेशा आंसर ट्रू आएगा, परफेक्ट। ये हो गया आपका डिसजंक्शन, ठीक है। तीसरा, तीसरा जो आपको याद रखना है वो है नेगेशन, परफेक्ट। नेगेशन में नोटेशन क्या होता है, ये आपका नोटेशन होता है। फिर इसमें कौन से लॉजिकल कनेक्टिव यूज होते हैं बच्चे लोग, इसमें नॉट यूज़ होता है, या फिर क्या यूज़ होता है, इट इज़ नॉट ट्रू, ये भी यूज़ होता है, इट इज़ नॉट ट्रू, फिर कभी कभी ये भी यूज़ होता है, इट इज़ फॉल्स, है ना। तो ये तीन वर्ड ज़्यादातर यूज़ होते हैं, नॉट, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स, परफेक्ट। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद इसका ट्रूथ टेबल तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ये पी है, ये नेगेशन पी है, ट्रू, तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। ये हो गया वो नेगेशन का ट्रूथ टेबल, और नेगेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिख दिया हमने। अभी चौथा चीज़ है, ध्यान से सुनना, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, वो है कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट, परफेक्ट। कंडीशनल स्टेटमेंट, अभी यहाँ पे इसमें कौन सा लॉजिकल कनेक्टिविज होता है बच्चे लोग, इसमें कौन सा लॉजिकल कनेक्टिविज होता है, इफ देन, ठीक है, इफ देन यूज होता है। और इसका नोटेशन क्या है बच्चे लोग, इसका नोटेशन ऐसा है, एरो पॉइंटिंग आगे की तरफ, या फिर ऐसा भी होता है। अभी देखिए, ध्यान से सुनिए, हम पढ़ रहे हैं सीईटी, तो सीईटी पढ़ रहे हैं तो हमको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, ए टू जेड डिटेल हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिखा, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, यहाँ पे जो पी है ना, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, क्या बोलते हैं बच्चे लोग इसको, एंटीसीडेंट, ये आपको नोट में रखना है, ठीक है। यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू में पी को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, या फिर इसका दूसरा नाम भी है हाइपोथेसिस, क्या नाम है इसका, हाइपोथेसिस। तो इसको आप शॉर्टकट में ऐड कर दोगे, क्या लिखोगे, इन पी इम्प्लाइज क्यू, पी इज कॉल्ड, पी को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं या फिर हाइपोथेसिस बोलते हैं, एंड क्यू को, क्यू को आप यहाँ पे बोलोगे कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन, क्या बोलोगे यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो ये आपका शॉर्टकट में पहला पॉइंट होगा जो हम लोग यूजुअली भूल जाते हैं, बराबर है, ये भूल जाओगे आप, गारंटी भूल जाओगे। पी इम्प्लाइज को, मैं पी को बोलते हैं एंटीसीडेंट या फिर हाइपोथेसिस, एंड क्यू को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट या फिर कंक्लूजन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, कंडीशनल स्टेटमेंट में वर्ड कौन सा यूज़ होता है वो आपको पता है, कौन सा यूज़ होता है, इफ देन यूज़ होता है ना, इफ देन यूज़ होता है, चलो वो तो आप पहचान लोगे, चलो इफ देन आ गया मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। बट कभी कभी इफ देन की जगह पे भी और कोई वर्ड्स भी यूज होते हैं, ठीक है, इफ देन नहीं है, उसके अलावा भी कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, पर वो भी कंडीशनल स्टेटमेंट ही कहलाया जाता है। मतलब आपके स्टेटमेंट में इफ देन नहीं होगा बट कुछ और होगा, और वो भी कंडीशनल स्टेटमेंट ही होता है। तो वो वर्ड्स क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ, इफ देन की जगह पे और क्या क्या लोग लिख सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो इसको भी आप शॉर्टकट में लिख दीजिएगा, क्या लिखोगे कि इफ देन की जगह पे और क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ इफ देन, इंस्टेड ऑफ इफ देन वी कैन ऑल्सो यूज,
वी कैन ऑल्सो यूज़ क्या क्या लिख सकते हो इफ देन की जगह पे, ठीक है? आप लिख दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हो पी इज सफिशियंट फॉर क्यू, ये भी वर्ड यूज होता है, यानी अगर आपको ऐसा कुछ दिया स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू के फॉर्म में, तो ऐसा नहीं है कि इफ के बाद पी फिर क्यू ऐसा लिख के आएगा, वैसा नहीं आएगा। पी इज सफिशियंट फॉर क्यू ऐसा भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। पी इज सफिशियंट फॉर क्यू, उसके बाद सेकेंड ये वर्डिंग भी यूज होता है, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है? पी इम्प्लाइज क्यू को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, पी इज सफिशियंट फॉर क्यू। उसके बाद एक और भी तरीके से लिख सकते हो इसको, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी। ध्यान से दिखेगा यहाँ पे क्यू पहले आ रहा है, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू को ही हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे पहले क्यू लिख रहा है, यानी स्टेटमेंट एग्जैक्टली यही होगा, पहले पी वाला स्टेटमेंट होगा फिर ऐसा लिखेंगे इज सफिशियंट फॉर, फिर क्यू वाला स्टेटमेंट होगा। आप अच्छी तरह समझिए मैं बेसिकली बोलना क्या चाहता हूँ, पहले पी वाला स्टेटमेंट होगा उसके बाद ऐसा लिखेंगे इज सफिशियंट फॉर, फिर क्यू वाला स्टेटमेंट होगा। और दूसरा आप मैंने क्या बोला है सेकेंड, और तो कैसे तरीके से लिख सकते हैं, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, है ना? क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, ये भी एक स्टेटमेंट यूज हो सकता है, चलो ध्यान से दिखिएगा। तीसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पे आ सकता है वो ऐसा लिखते हैं वो लोग, क्यू फॉलोस फ्रॉम पी, ठीक है? क्यू फॉलोस फ्रॉम पी, ये भी आ सकता है बच्चा लोग, ठीक है? ये तीन दे दिया, इनफैक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो, चौथा आप लिख दीजिए पी ओनली इफ क्यू, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ नहीं बोला है बच्चे लोग, ठीक है? इफ एंड ओनली इफ नहीं बोला है, पी ओनली इफ क्यू ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी ये जो पी इम्प्लाइज क्यू है जिसको हम लोग इफ देन के फॉर्म में लिखते हैं, इफ फिर हम लोग पी वाला स्टेटमेंट लिखते हैं फिर देन के बाद क्यू वाला लिखते हैं, तो उन इस पूरे स्टेटमेंट को आप ऐसा भी लिख सकते हो, पी सफिशियंट फॉर क्यू, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, पी ओनली इफ क्यू, ठीक है? इतना आप लिख सकते हो, इनफैक्ट एक दो और भी है बट ठीक है, राइट? इतना चल जाएगा, राइट? तो ये आपको एज ए शॉर्टकट में लिखना है और आपको याद रखना है बच्चे लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आप इसको याद रख रहे हो। इनफैक्ट अगर एक और भी है आप लिख दीजिए, ठीक है? पांचवा है यहाँ पे, इनफैक्ट ये लिख सकते हैं आप लोग सफिशियंट कंडीशन, सफिशियंट कंडीशन फॉर क्यू इज पी, सफिशियंट कंडीशन फॉर क्यू इज पी। अभी देखिए ये तो सी टी है तो हम क्या होना, सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी बच्चे लोग। तो ये पांचों के पांचों स्टेटमेंट्स इफ देन की जगह पे यूज हो सकते हैं, ठीक है? मतलब इफ देन यूज नहीं हुआ, ये यूज हुआ, तो आपको समझ जाना है कि ये पी इम्प्लाइज क्यू ही बोलना चाहता है, ठीक है? एक इसको आप ऐसे शॉर्टकट में याद रखेंगे बच्चे लोग, ठीक है? चलो ये हो गया आपका कंडीशन स्टेटमेंट। अब इसका क्या याद रखना है, इसका ट्रुथ टेबल याद रखना है, आपको ट्रुथ टेबल तो याद है, पी क्यू पी इम्प्लाइज क्यू, दोनों ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, टी इम्प्लाइज टी का आंसर टी, टी इम्प्लाइज एफ का आंसर एफ, एफ इम्प्लाइज टी का आंसर अगेन टी, एफ इम्प्लाइज एफ इज अगेन टी। ये होगा ट्रू टेबल ऑफ बाय कंडीशनल, इनफैक्ट परफेक्ट। अभी नेक्स्ट कौन सा बच्चा लोग, लास्ट जो हमने पढ़ा है वो कौन सा बच्चा लोग, वो है बाय कंडीशनल, दैट इज बाय कंडीशनल परफेक्ट, ठीक है? बाय कंडीशनल में कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज होता है आप लोग जानते हो, वो है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ यूज होता है, या फिर आई डबल एफ ये भी यूज होता है, ठीक है? इसमें ऐसा करते हैं हम लोग, ये है नोटेशन होता है बच्चा लोग, ये ध्यान रखिएगा, राइट? सो इसमें भी वही होगा, ठीक है? इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, एरो पॉइंटिंग बोथ वेज, यानी पी डबल इम्प्लाइज क्यू ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो बच्चे लोग। सी टी सॉल्विंग का मेन क्या है, आपको सारी चीज़ें पहले दिमाग में फिट करनी है, जब तक ये फिट नहीं होगा आपके दिमाग में आप सॉल्व करोगे कुछ मतलब नहीं है, नो पॉइंट। इसलिए मैं पहला लेक्चर ऐसा ही बना रहा हूँ जिसमें आप पहले सारी चीज़ें एकदम अपने दिमाग में फिट कर लो और फिर एकदम टूट पड़ो, देखो कैसे आपको आंसर्स आने लगेंगे, ठीक है? तो ये बाय कंडीशनल हो गया। अच्छा बाय कंडीशनल को क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है? डबल इम्प्लीकेशन, और कंडीशनल को मैंने बताया था इम्प्लीकेशन बोलते हैं खाली, सो ये डबल इम्प्लीकेशन भी हो गया, परफेक्ट। अभी बाय कंडीशनल में भी आप बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें बताया ना, इसमें कौन सा इफ एंड ओनली इफ या आई डबल इफ यूज होता है, तो उसकी जगह पे, यानी इफ एंड ओनली इफ ना लिखो या उसकी जगह पे आई डबल इफ ना हो, उसकी जगह पे और भी क्या क्या आ सकता है, मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हो जिसकी जगह पे इफ एंड ओनली इफ की जगह पे और कुछ यूज किया गया हो, आई डबल इफ की जगह पे और कुछ यूज किया गया हो, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? क्या लिख सकते हैं वो लोग,
ठीक है, ये वर्ड भी आता है, कौन सा, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, पी इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर पी, पी इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर क्यू, पी इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर क्यू एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, क्यू इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर पी, ये वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, क्यू इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर पी, ठीक है, मतलब पी इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर क्यू ये भी लिख सकते हो, क्यू इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर पी ये भी लिख सकते हो, अगर तीसरा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो पी इज इक्विवेलेंट टू क्यू, क्या लिख सकते हो, पी इज इक्विवेलेंट टू क्यू, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आप नोट डाउन कीजिए बच्चा लोग, ठीक है, इसमें से कुछ भी आ सकता है ना, तो ये आपको याद रखना है, राइट, परफेक्ट। तो अभी नेक्स्ट का याद रखोगे बच्चा लोग, अब इसका ट्रुथ टेबल याद रखोगे जो आपको अच्छी तरह आता है, परफेक्ट। सो यहाँ पे पी क्यू, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, परफेक्ट, टी 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 एफ, एफ टी एफ एफ, टी डबल इम्प्लाइज टी इज टी, टी डबल इम्प्लाइज एफ इज एफ, एफ डबल इम्प्लाइज टी इज एफ, एफ डबल इम्प्लाइज एफ इज टी, ये हो गया ट्रुथ टेबल फॉर बाय कंडीशनल, ठीक है बच्चे लोग, ये सारा चीज़ें आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, इसके बाद हमने क्या याद रखा है, टॉटोलॉजी, अच्छा ये ऊपर वाला जो है आपको लिख देना है, वो तीन जो आप मैंने बताया पी इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर क्यू, ये सब शॉर्टकट में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिजेंसी सबको आता है, परफेक्ट। तो ये वर्ड से आप फैमिलियर हो, टॉटोलॉजी क्या होता है, अगर किसी स्टेटमेंट पैटर्न के लास्ट के सारे ट्रुथ वैल्यूज टी आ गए, किसी स्टेटमेंट पैटर्न के लास्ट कॉलम के सारे ट्रुथ वैल्यूज अगर टी आ गए, तो वो स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो जाएगा, टॉटोलॉजी हो जाएगा। किसी के सारे एफ आ गए तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। अगर टी एंड एफ आ गए, टी एंड एफ का कॉम्बिनेशन है, कुछ टी है कुछ एफ है, तो क्या हो जाएगा, वो कंटिजेंसी हो जाएगा, परफेक्ट। तो वो भी वर्ड से आप फैमिलियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राइट, उसके बाद आपको क्या याद रखना है बच्चा लोग, ये होने के बाद आपको ट्रुथ टेबल तो बनाना आता ही है, तो ट्रुथ टेबल बनाना कोई बड़ी बात है नहीं, वो भी हो जाएगा। उसके बाद आपको कहते हैं ड्यूअल याद रखना है, ड्यूअल वाला पार्ट आपको याद है कि नहीं याद है बच्चा लोग, ड्यूअल, यस। तो ड्यूअल में क्या करते हैं हम लोग, व्हाट डू वी डू इन ड्यूअल बच्चा लोग, हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस, चाहिए तो इसको भी आप शॉर्टकट में लिख दो, वैसे तो आपको याद रहेगा, रिप्लेस और बाय एंड, मतलब क्या, दैट इज क्या, क्या करोगे, और बाय एंड, या फिर और क्या हो सकता है, और क्या कर सकते हो, एंड को और से रिप्लेस करते हो। उसके बाद और भी बताया था मैंने, सी को टी से, सी बाय टी यानी कॉन्ट्राडिक्शन बाय टॉटोलॉजी, बराबर है, या फिर टॉटोलॉजी बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो ड्यूअल में हम क्या करते हैं, बस एंड को और से रिप्लेस करते हैं, मतलब जहाँ जहाँ एंड है वहाँ और लिखते हैं, जहाँ और है वहाँ एंड लिखते हैं, एंड सी दिखेगा तो सी की जगह पे टी लिखेंगे, टी की जगह पे सी लिख देंगे, यहाँ पे सी लिखना है, ठीक है, बस इतना ही करना है आपको ड्यूअल में। उसके बाद ये करने के बाद आपको और क्या याद रखना है, ठीक है, ये करने के बाद आपको जो याद रखना है वो है इनवर्स, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स कॉन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे लोग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, मैं आपको अच्छी तरह पूरा रिवाइज करवा देता हूँ, मेक श्योर आप इसको अच्छी तरह समझ रहे हो, ठीक है, पे अटेंशन। अब सपोज यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, सबको पता है पी इम्प्लाइज क्यू क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, हम लोग को पता है कंडीशनल स्टेटमेंट, परफेक्ट। अभी सबसे पहला चीज़ जो आपको याद रखना है, पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स क्या होगा बच्चे लोग, पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स विल बी नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, सबको पता है पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स ही होगा। कॉन्वर्स क्या होगा बच्चे लोग, कॉन्वर्स विल बी क्यू इम्प्लाइज पी, कॉन्वर्स क्या हो जाएगा, क्यू इम्प्लाइज पी, पी इम्प्लाइज क्यू कॉन्वर्स विल बी क्यू इम्प्लाइज पी। नेक्स्ट होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू का इज नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, ये तो चलो मान लिया आपको आता है, बट अभी जो बताने जा रहा हूँ वहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पे बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे गड़बड़ करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिखोगे, ये पार्ट तो आपको आता है, ये पार्ट तो आपको आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपको बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको शॉर्टकट में लिखनी है, वो याद रखोगे कि हमेशा पी इम्प्लाइज क्यू,
हमेशा पी इम्प्लाइज क्यू। क्या है पी इम्प्लाइज क्यू? एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। पी इम्प्लाइज क्यू क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट हमेशा उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है। पी इम्प्लाइज क्यू एक स्टेटमेंट है जो कि कंडीशनल है, वो हमेशा किसको इक्विवेलेंट रहेगा? उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव। बोलो P implies Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है? P implies Q कॉन्ट्रा पॉजिटिव है नेगेशन Q implies नेगेशन P। तो ये आपको याद रखना है, हमेशा एक प्रॉपर शॉर्टकट का एक पेज बनाओ, उसमें सारी चीज़ें नोट डाउन करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हमको याद नहीं रहेगी जो मैंने बोली है, तो वो भी आप चाहिए तो ऐड ऑन कर लो, बट प्रॉपर नोट बनाओ। तो P implies Q किसको इक्विवेलेंट रहेगा बच्चे लोग? P implies Q एक कंडीशन हमेशा उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव को इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखोगे क्या? अ कंडीशनल स्टेटमेंट, ध्यान से देखिएगा, कभी कभी वर्डिंग में आ जाता है, ठीक है, वर्डिंग में आ जाता है। तो अ कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, अ कंडीशनल से मतलब किसकी बात कर रहे हैं? पी इम्प्लाइज क्यू। अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। ये हो गया है ना पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये हो गया पहला चीज। दूसरा, ठीक है, दूसरा, हमेशा एक कॉन्वर्स स्टेटमेंट यानी पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्वर्स ये होता है, तो हमेशा एक कॉन्वर्स स्टेटमेंट हमेशा उसके इनवर्स को इक्विवेलेंट रहेगा। अच्छी तरह याद रखेगा कि एक कॉन्वर्स स्टेटमेंट हमेशा उसके इनवर्स यानी पी इम्प्लाइज क्यू का जो कॉन्वर्स है वो पी इम्प्लाइज क्यू के इनवर्स को क्या रहेगा? इक्विवेलेंट रहेगा। अच्छी तरह समझने का, घाई नहीं करने का। सर ने पहला क्या बोला? सबसे पहला चीज़ क्या बोला कि P implies Q किसको इक्विवेलेंट है? उस P implies Q के कॉन्ट्रा पॉजिटिव को यानी नेगेशन Q implies नेगेशन P। डन, लिख लिया हमने स्टेटमेंट फॉर्म में भी। दूसरा क्या बोला सर ने? मैंने ये बोला कि Q implies P जो कि क्या है? Q implies P क्या है? कॉन्वर्स है। किसका कॉन्वर्स है? P implies Q का। तो ये जो कॉन्वर्स स्टेटमेंट है P implies Q का, वो P implies Q के इनवर्स से क्या रहेगा? इक्विवेलेंट रहेगा, यानी नेगेशन P implies नेगेशन क्यू, यानी ये दोनों क्या रहेंगे? आपस में इक्विवेलेंट रहेंगे। तो आप इसको एज अ वर्डिंग फॉर्म में कैसे लिखोगे? द कॉन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इट्स इनवर्स। तो ये भी आप याद रखोगे बच्चे लोग। तो कंडीशनल एक स्टेटमेंट हमेशा कॉन्ट्रा पॉजिटिव को इक्विवेलेंट होता है, और कॉन्वर्स हमेशा उसके कंडीशनल को इक्विवेलेंट, अपने इनवर्स को इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ये पहला चीज से आपको याद रखना, इसको दोनों को आप शॉर्टकट में लिखोगे, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट। नेक्स्ट, ये वाला पार्ट भी हो गया। उसके बाद क्या टाइप्स ऑफ क्वान्टिफायर्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने? टाइप्स ऑफ क्वान्टिफायर्स, यस, दो टाइप्स के क्वान्टिफायर्स पढ़े। कौन से दो टाइप के क्वान्टिफायर्स पढ़े हमने? पहले तो पढ़ा है यूनिवर्सल क्वान्टिफायर, परफेक्ट, यूनिवर्सल क्वान्टिफायर। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफायर। कौन सा पढ़ा हुआ है? एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफायर। अब यूनिवर्सल क्वान्टिफायर में कौन सा कनेक्टिव यूज होता है बच्चे लोग? कौन सा वर्ड यूज होता है बेसिकली यूनिवर्सल क्वान्टिफायर में? हम लोग फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी यूज करते हैं। आई होप सबको याद है ना, यूनिवर्सल क्वान्टिफायर में फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी यूज करते हैं। इसका नोटेशन क्या बच्चे लोग? उल्टा ए है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफायर में कौन सा कनेक्ट वर्ड यूज होता है? देर एग्जिस्ट यूज होता है, ठीक है, देर एग्जिस्ट यूज होता है। या फिर कभी कभी हम लोग ये वर्ड भी यूज करते हैं, सम, है ना, सम वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो देर एग्जिस्ट या फिर सम, इसका नोटेशन क्या है? उल्टा ई है, ठीक है, उल्टा इसका नोटेशन है। तो ये वाला पार्ट भी आपको सॉर्टेड क्लियर हो गया। अभी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अभी आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है। ये वाला पार्ट तो आपको हो गया, अभी शॉर्टकट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखोगे बच्चे लोग, वो है आपके इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, लिखिएगा उसको। आपको मैंने बताया था कि बोर्ड्स में पढ़ाया था कि पी इम्प्लाइज क्यू किसको इक्विवेलेंट होता है, आपको याद होना चाहिए। पी इम्प्लाइज क्यू किसको इक्विवेलेंट होता है? नेगेशन पी और क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू किसको इक्विवेलेंट होता है? नेगेशन पी और क्यू। तो ये याद रखो बच्चे लोग, इसको भूलो मत। उसके बाद नेक्स्ट, पी डबल इम्प्लाइज क्यू किसको इक्विवेलेंट होता है? पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, परफेक्ट।
पी डबल इम्प्लाइज क्यू किसके बराबर है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू। अभी पी इम्प्लाइज क्यू की जगह पे क्या लिखोगे, नेगेशन पी और क्यू हमने ऊपर ही पढ़ा हुआ है, एंड क्यू इम्प्लाइज पी की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, नेगेशन क्यू और पी। इनफैक्ट मैंने क्या लिखा, नेगेशन पी और के बराबर लिखा था, नेगेशन क्यू और पी, परफेक्ट। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, इतना सा पार्ट याद रखना है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी किसके बराबर है बच्चा लोग, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इज इक्वलन टू पी, बेसिक है। तो पहले ये दो तो आप याद रख ही लो, ठीक है, मेक श्योर आप ये दोनों को याद रख रहे हो, परफेक्ट। उसके बाद आपको बेसिक डी मॉर्गन्स लॉ याद रखना है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, क्या बोलता है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, व्हाट डज इट से, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, परफेक्ट। ये हो गया पहला डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या बोलता है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, परफेक्ट। तो ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं बच्चे लोग, ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ में आते हैं। और ये सारे फॉर्मूलाज कब यूज होंगे आपके, ये सारे फॉर्मूलाज आपके नेगेशन निकालने में काम आएंगे, तो मेक श्योर कि आप इनको याद रख रहे हो। ठीक है बच्चे लोग, अभी क्या होता है ना, और इनफैक्ट 2019 या 20 में लॉजिक में दो क्वेश्चंस आ गए थे, देर वर टू क्वेश्चंस ऑफ लॉजिक, मतलब 4 मार्क, आप समझ रहे हो, मतलब लॉटरी लग गई, अगर दो क्वेश्चन लॉजिक के आ गए मतलब मज़ा आ जाएगा, समझ रहे हो। तो आप क्या करो, फुल्ली प्रिपेयर्ड रहो, अच्छी तरह प्रिपेयर करो टॉपिक वाइज, वीडियोज़ एकदम आराम से बनाए जाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी, आपको बस वीडियोज़ देखना है, प्रॉपर एम सी क्यूज़ को फॉलो करना है और आपको प्रैक्टिस करना है, ये सही तरीका होता है सी टी सॉल्व करने का। ठीक है, तो आपको मैंने इतना तो बता दिया, ये काम भी हो गया। अब इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो है दूसरा चीज़, अभी कुछ चीज़ें मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम ही बताऊंगा तो आपको बेटर समझेगा, ठीक है, अगर मैं अभी बता दूंगा तो आप भूल जाओगे, तो बेटर रहेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम आपको बताओ। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप इसे शॉर्टकट में ऐड ऑन कर लीजिए, राइट। अब दूसरा चीज़ देखिए बच्चा लोग, देखिए हम क्या करते हैं, जो इजी चीज़ें होती है उसको कर लेते हैं, बट जो डिफ़िकल्ट चीज़ है उसको हम इग्नोर मारते हैं। ठीक है, तो आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है आपका लॉस। ठीक है, एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, लॉस को अच्छी तरह याद रखिएगा बच्चे लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसकी एक प्रॉपर ये बनाया हुआ है। ठीक है, आपको याद होगा 8th वीडियो के एंड में सारे लॉज एक्सप्लेन किए थे, बट आपको अभी सीईटी में भी लॉज के नाम के साथ भी सब कुछ याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन एनी सिचुएशन। ठीक है, तो आपको लॉज के नाम से याद रखने हैं। अभी फटाक से हम लोग इसमें अभी 5-7 मिनट में सारे के सारे लॉ रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको रिविजन भी हो जाए और सॉल्विंग के टाइम दिक्कत भी ना आए। ठीक है, चलो सबसे पहला लॉ जो हमने पढ़ा है वो कौन सा लॉ है बच्चा लोग, वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। कौन सा लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ, क्या बोलता है आइडेम्पोटेंट लॉ, व्हाट डज इट से। आइडेम्पोटेंट लॉ बोलता है पी एंड पी इक्वेलेंट टू पी, उसके बाद पी और पी इक्वेलेंट टू पी, ये हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है बच्चा लोग, कम्यूटेटिव लॉ, ध्यान दीजिएगा कम्यूटेटिव लॉ, व्हाट डज कम्यूटेटिव लॉ से। कम्यूटेटिव लॉ बोलता है पी एंड क्यू इक्वेलेंट टू क्यू एंड पी, यानी पी एंड क्यू का आंसर जो होगा वही क्यू एंड पी का आंसर आएगा, यानी तुम इंटरचेंज कर सकते हो, पी एंड क्यू को क्यू एंड पी लिख सकते हो, उसके बाद पी और क्यू को लिख सकते हो क्यू और पी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पी और क्यू लिखो या क्यू और पी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा लॉ जो आपको याद रखना है वो है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, अभी एसोसिएटिव लॉ आप कैसे याद रखोगे, कैसे समझोगे, मैंने आपको बताया था, अभी सपोज है आपके 3 स्टेटमेंट्स है, पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट्स है, और तीनों के बीच में सेम लॉजिकल कनेक्टिव है। ठीक है, पी क्यू आर आपके तीन, अभी ऑर्डर देखो, पी के बाद क्यू है, क्यू के बाद आर है, और तीनों के बीच में आपका क्या है फिलहाल यहाँ पे और है। ठीक है, तीनों के बीच में सेम लॉजिक, अभी इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, स्टार्टिंग के दो को पहले एक साथ सॉल्व करो, पी और क्यू को सॉल्व करो, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ फिर आर को ले लो, है ना, पी और क्यू का जो आंसर आएगा उसका जो आंसर आएगा वो फिर आर के साथ आप सॉल्व करोगे, ऐसा कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि पहले क्यू और आर को सॉल्व करो, और क्यू और आर का जो आंसर आएगा उसको फिर पी के साथ लेके सॉल्व करो, है ना। तो इसको रीड कैसे करोगे, पी और क्यू और आर इक्वेलेंट टू पी और क्यू और आर, ठीक है, पी और क्यू और आर इक्वेलेंट टू पी और क्यू आर। तो एसोसिएटिव लॉ कैसे आप समझोगे,
तीन स्टेटमेंट्स के बीच में सेम लॉजिकल कनेक्टिव, जैसे भी यहाँ पे देखो पी एंड क्यू एंड आर है ना, पी एंड क्यू एंड आर। अभी देखो यहाँ पे तीनों के बीच में एंड ही है, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हो सकता है कि मैं पी एंड क्यू को पहले सॉल्व करूँ, उसका जो आंसर आएगा उसके बाद उसको आर के साथ एंड कर दूंगा, या फिर मैं क्या करता हूँ पहले क्यू एंड आर को सॉल्व करूँ, इसका जो भी आंसर आएगा उसको पी के साथ एंड कर लूंगा, हो जाएगा मेरा परफेक्ट। तो ये रहा हमारा आइडमपोटेंट लॉ, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ, तीसरा आपका एसोसिएटिव लॉ। चलो बढ़िया, अभी चौथा लॉ जो आपको याद रखना है बच्चे लोग कौन सा है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो सीईटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारी चीज़ें याद रखनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है आपको मैंने बताया था जब सिखाया था, पी और यहाँ पे चलो लिख दिया क्यू एंड आर, ठीक है पी और क्यू एंड आर। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब अंदर बाहर ऑपोजिट लॉजिकल कनेक्टिव्स रहेंगे, अगर बाहर और है तो अंदर एंड रहेगा, बाहर और है तो अंदर एंड रहेगा, तो समझ जाने का कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप क्या एज अ मल्टीप्लीकेशन की तरह समझोगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हो वैसा आप समझो तो आपको ईजिली समझेगा। तो आप क्या करोगे, ये पी और को आप पहले क्यू में बांट दोगे, तो पी और क्यू परफेक्ट, उसके बाद ये एंड लिख दो, ये एंड लिख दिया, फिर ये पी और आप आर को दे दोगे, तो ये पी और आर हो गया, ये लो खत्म हो गया बच्चे लोग है ना। तो ये पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी एंड क्यू और आर परफेक्ट। तो अभी इधर देखो अंदर बाहर अगेन ऑपोजिट लॉजिकल कनेक्टिव्स है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, पी एंड को आप क्या करोगे सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पी एंड क्यू परफेक्ट, ये पी एंड को आप पहले क्यू को दे दो, उसके बाद ये और फिर पी एंड आर, ये हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कन्फ्यूज नहीं होने का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है बच्चे लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अंदर बाहर ऑपोजिट लॉजिकल कंडीशंस होते हैं, अगर बाहर और है तो अंदर एंड होगा, तो समझ जाने का कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा परफेक्ट राइट। अभी पांचवा लॉ कौन सा है जो अपने को पढ़ना है बच्चे लोग, विच इज़ द फिफ्थ लॉ विच वी हैव टू स्टडी, दैट इज अपना कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ भी याद रख लीजिए बच्चे लोग, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलते हैं, व्हाट डज इट से, इट सेज पी और नेगेशन पी इज इक्वलेंट टू, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पी और नेगेशन पी इज इक्वलेंट टू टी, पी एंड नेगेशन पी, पी एंड नेगेशन पी इज इक्वलेंट टू एफ, तो पी और नेगेशन पी का आंसर टी है, पी एंड नेगेशन पी का आंसर एफ है, ये अपना कॉम्प्लीमेंट लॉ है। छठा लॉ जो आपको याद रखना है वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, अब यहाँ पे देखिए हमारा नॉलेज टेस्ट होगा, ठीक है अपना आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, पी एंड एफ, पी एंड एफ। अभी आपको मैंने क्या बताया, देखो आप एंड का ट्रुथ टेबल यानी कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल फॉलो करोगे, एक भी एफ आ गया, एक भी एफ आ गया तो आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। आपको मैंने क्या याद रखने को बोला था कि उसमें ट्रू कब आता है, कंजंक्शन में ट्रू कब आता है, जब दोनों ट्रू होंगे, वरना फॉल्स ही होगा। तो एक भी एफ आ गया तो आंसर क्या हमेशा फॉल्स आएगा, एंड में एक भी एफ आ गया तो फॉल्स सेकेंड। उसके बाद और में एक भी टी आ गया, और में एक भी टी आ गया तो हमेशा आंसर क्या होगा बच्चे लोग, और में एक भी टी आ गया तो आंसर हमेशा ट्रू होगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चे लोग ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे टी लिख दोगे। तीसरा भी बचा हुआ पार्ट खत्म, अभी पी एंड टी लिख दिया मैंने, पी एंड टी लिख दिया, तो इसका आंसर पी पे डिपेंड करेगा, पी का जो ट्रूथ वैल्यू डालोगे वही यहाँ पे आएगा, अगर एफ डालोगे तो एफ आएगा, यहाँ पे पी की जगह पे टी डालोगे तो यहाँ पे भी टी आएगा, तो यहाँ पे पी लिख देने का। और एक चौथा जो बचा है वो है पी और एफ, अगेन वो किस पे डिपेंड करेगा, पी पे डिपेंड करेगा, जो पी का ट्रुथ वैल्यू डालोगे वही यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे टी डालोगे तो यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे एफ डालोगे तो यहाँ पे एफ आएगा, खत्म ठीक है। तो ये अपना आइडेंटिटी लॉ हो गया। और सातवां और आठवां लॉ तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बच्चे लोग, जो आपको ऑलरेडी पता है, और वो है अपना कंडीशनल लॉ, इनफैक्ट ये सेवेंथ है, कंडीशनल लॉ एंड बाय कंडीशन। कंडीशनल लॉ क्या बोलता है, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वलेंट टू नेगेशन पी और क्यू, ये अपना कंडीशनल लॉ है। उसके बाद बाय कंडीशनल लॉ, व्हाट डज बाय कंडीशनल लॉ से आपको सभी को पता है, बाय कंडीशनल लॉ क्या बोलता है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू किसके बराबर है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी परफेक्ट। और फिर पी इम्प्लाइज क्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वही नेगेशन पी और क्यू एंड यहाँ पे नेगेशन क्यू और पी, ये आपको पहले तो याद रखना है ठीक है, कंडीशनल लॉ। एक इनफैक्ट एक दो और लॉ है ठीक है जो आपको याद रखना है, इनफैक्ट मैं बता देता हूँ वो लॉस के नाम है, इनफैक्ट वो ज़्यादा इतने यूज़ नहीं होते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था। एक और लॉ लिख लो आप ठीक है, इन्वोल्यूशन लॉ।
इन्वोल्यूशन लॉ, ठीक है, वो क्या बोलते हैं लॉ, क्या बोलते हैं, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी का आंसर क्या होता है, पी होता है ना, तो ये अपना इन्वोल्यूशन लॉ हो गया। एंड नेगेशन ऑफ ट्रू इज इक्वलेंट टू फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स इज इक्वलेंट टू ट्रू, तो ये सब इन्वोल्यूशन लॉ के अंदर आता है। तो आप इसका नाम याद रख लो बच्चा लोग, ठीक है। और एक और दसवा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट आपको याद रखना है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है, मैं लिख के देता हूँ, पी और पी एंड क्यू, ठीक है, पी और पी एंड क्यू का आंसर स्ट्रेट अवे आप लिख दोगे पी, पी और पी एंड क्यू का आंसर आप स्ट्रेट अवे लिख दोगे पी, ये एब्जॉर्प्शन लॉ। एंड वाइस वर्सा, पी एंड पी और क्यू, पी एंड पी और क्यू, इसका भी स्ट्रेट अवे आंसर लिख दोगे आप पी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट अगर बाय चांस कुछ पूछ लिया कि लॉ का नाम के रिलेटेड कुछ भी एमसीक्यू आ गया, तो आपको आना चाहिए, ठीक है, मेक श्योर कि आप इसको समझ रहे हो अच्छी तरह, राइट। तो ये भी आप एज अ शॉर्टकट में लिख दीजिए, ठीक है, ये लॉ का नाम, वो लॉ का नाम, क्योंकि लॉ के नाम भी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, लॉस के नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीज़ें तो पहले आपको फिट करनी है अपने दिमाग में। अभी दूसरा चीज़, ठीक है, स्विचिंग सर्किट है ना। अभी सर्किट में मैंने आपको क्या बताया था, जब अपने बोर्ड्स पढ़ा था, एकदम पहले तो बेसिक क्लियर करना है। सर्किट का बेसिक क्या है, अगर दो स्विचेस आजू बाजू में है, ये पहला स्विच, ठीक है, ये दूसरा स्विच, अगर ये दोनों आजू बाजू में है, बराबर है, यानी दोनों किस में, सीरीज में है, बराबर है, तो उन दोनों के बीच में क्या आएगा, उन दोनों के बीच में एंड आएगा, ठीक है। इफ़ टू स्विचेज आर इन सीरीज, तो उन दोनों स्विचेस के बीच में क्या आएगा, एंड आएगा, मतलब उसका नोटेशन क्या होगा, जो हम देते हैं पी एंड क्यू लिखेंगे। अगर दो स्विचेस पैरल है, यानी ऊपर नीचे है, तो उनके बीच में हम क्या डालेंगे, उनके बीच में और आएगा, है ना। तो पहले आपको याद रखना है, स्विचेज इन पैरल तो, और स्विचेज इन सीरीज तो एंड। तो क्या करोगे आप, ये पहले तो ये सारी चीज़ें एकदम दिमाग में फिट करोगे, रिवाइज करोगे ये सारी चीज़, है ना। तो ये पहला वीडियो हमारा इसी पे डेडिकेटेड है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज कर लेने के, सर ने क्या बताया था लॉजिक के बारे में, है ना, पूरा डिटेल पहले आपको शॉर्टकट में लिखना है, ये देखने के बाद फिर एमसीक्यू की तरफ जम मारना। एक बार एमसीक्यू आपको सॉल्विंग इजी कब गिरेगा, जब आप ये सब पार्ट देख लोगे, वरना फिर क्या, बार बार आपको फिर वो बुक दुक उठाना पड़ेगा, अरे सर ने ये बताया नहीं, वो बताया नहीं। तो बेस्ट तरीका क्या है, पहले ये वीडियो ख़त्म करो, उसके बाद आगे की वीडियोस देखो, आपको कितनी आसानी से आंसर्स आने लगेंगे, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली अभी हम ये फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, मतलब हमने ये तो पढ़ लिया, अभी वापस ये सब चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा, अभी इसमें आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।